इसके साथ ही आज के हमारे खास मेहमान माननीय मुनाब हकीम साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, इनका भी स्वागत माननीय मंत्री महोदय की तरफ से हो रहा है। साथ में सैयद जफर अली शेख, सैयद रेवर, इनके हाथों से स्वागत हो रहा है। महाराष्ट्र के वजीर, हमारी बहन फौजिया खान साहिबा, मौजूद हजरात और सामई, अभी इसके पहले आप उर्दू के आंगन में हिंदी सुन रहे थे और हम यहाँ पर जो आए हैं, फौजिया बहन ने जो एक शुरुआत मराठवाड़ा में जो यहाँ की तहजीब को और ख़ास तौर पे उर्दू की अहमियत को हमारे और आपके दिलों में बरकरार करने की जो कोशिश की है, मैं ये समझता हूँ कि ये काम हम आप सब मिलकर इनका साथ दें और घर घर तक इस पैगाम को हम पहुँचाएँ उन हजरात तक जिन्होंने उर्दू का दामन छोड़ा है, उन्हें बताएं उर्दू आपकी भी है, उर्दू हिंदुस्तान की मादरी जबान है और इससे अगर आप मोहब्बत करेंगे तो इसकी मिठास आपकी ज़िंदगी में कौमी एकजहती के भी काम आएगी और हिंदुस्तान को हम दुनिया में सबसे अव्वल मुकाम पर अगर ले जाना चाहते हैं तो दूसरा कोई ज़रिया नहीं है, एक उर्दू ज़बान ही ऐसी है कि जो मोहब्बत का पैगाम हमको, आपको, सबको देगी। और दुनिया में आज जो चल रहा है, जिस तरह के हालात है, इसको दुरुस्त करने के लिए इससे बेहतर काम कोई नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी बहन फौजिया खान को, जिन्होंने एक शुरुआत जो की है, इसको हम पूरे महाराष्ट्र के गोशे गोशे तक अगर पहुँचाएँ, सब मिलकर इनके हाथ मजबूत करें, तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें हमारा भी कहीं हिस्सा ज़रूर होगा। आपने यहाँ पर बुलाया और मुझको यहाँ पर आप सब के दरमियान में हमारी बहन ने पेश किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में जिस तरह का रिश्ता आज यहाँ आने पर बना, इस तरह का रिश्ता आपका हमारा हमेशा कायम रहें। आप आवाज़ दें, हम लब्बैक कह के आपके साथ ज़रूर आएंगे। खुदा हाफ़िज़।